हाँ जी मेरी ऑडियो फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। सबसे पहले तो हैप्पी एप्पल डे। सारे प्रोडक्ट्स एप्पल की रेंज के आज है हमारे पास। चारों आईफोन है, आईपैड मिनी है 6th जनरेशन और आईपैड 9th जनरेशन है। तो सारी चीजों की आज अनबॉक्सिंग वीडियोस आपको दिखने वाली है चैनल के ऊपर। और सबसे पहले जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की। तो इस सबको आप साइड रखते हैं, अब सबसे पहली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं 13 प्रो मैक्स की। और इस बार जो बॉक्स है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक रैप आपको नहीं मिल रहा है, एप्पल ने वो रिमूव कर दिया। उसकी जगह पे दो दो पुल टैब हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और ऊपर आपको दिख रहा होगा आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB वाला ये वर्जन है। और ब्लैक बॉक्सेस हैं प्रो सीरीज के लिए और व्हाइट बॉक्सेस हैं आईफोन 13 सीरीज के लिए। और यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की, जो कि डिफरेंट है पिछले साल वाले प्रो सीरीज के कंपैरिजन में, कि यहाँ पे जो आईफोन के लेंसेज है ना, अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे तो ये इनको आप फील कर सकते हो, ये थोड़ा सा बम्प आपको मिलेगा बॉक्स के ऊपर ही। एक छोटा सा टच है जो ज्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे, बट पहली नजर में ही मुझे नोटिस आया। तो सारी चीज जो है यहाँ पे, जो पूरा आईफोन का डिजाइन है बॉक्स के ऊपर, इसके ऊपर भी अगर आप हाथ घुमाते हो तो हल्के हल्के बम्प दिखेंगे, रियल फोन वाली ही फील आपको आती है। और अब रियल फोन हम लोग देख लेते हैं, बहुत हो गई बातें, निकालते हैं अब इसको बॉक्स से बाहर। तो 1 2 3 पुल टैब खींचते हैं। रेडी हो? तो चलो करते हैं शुरू। 1 2 3 टाडा, यहां पे है 13 प्रो मैक्स। एंड ऑनेस्टली बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है, मैंने 12 प्रो मैक्स को अनबॉक्स कर लिया, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फोन को देख लेते हैं, बट उससे पहले एक्सेसरीज चेक करते हैं। बॉक्स के अंदर हमें USB-C टू लाइटनिंग केबल मिल रही है और चार्जर नहीं मिलेगा, काफी क्वेश्चंस आते हैं। और कंटेंट देख लेते हैं पेपर में क्या क्या हमें देते हैं। स्टिकर्स हैं, तो सिम इजेक्टर टूल सबसे पहले, और यहाँ पे एक एप्पल स्टिकर आपको मिल रहा है। और अब आ जाते हैं हम लोग फोन के ऊपर। तो यहाँ पे है हमारा आईफोन 13 प्रो मैक्स। एक बार मैं ना 12 प्रो मैक्स लेके आता हूँ। अब यहाँ पे दोनों फोन है साथ में, ये है 13 प्रो मैक्स, इधर है 12 प्रो मैक्स। जो मेन डिफरेंस है वो है कैमरा सेंसर्स का। तो 13 के अंदर जो कैमराज है वो काफी बड़े हैं 12 के कंपेरिजन में, बट अगर आप ऐसे देखोगे रेगुलर एवरीडे लाइफ में तो आई डोंट थिंक आप ज्यादा इसको पहचान पाओगे। उसके अलावा जो कलर्स का लुक है वो बिल्कुल सेम है, जो फिनिश है वो बिल्कुल सेम है। अगर हम इस साइड से भी देखें तो आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली सेम है दोनों फोन। बटन्स का जो लेआउट है वो भी सेम है, बॉटम वगैरह सारी चीजें जो हैं एग्जैक्ट सेम है। और अब बहुत हो गई बातें, अब रैप निकालते हैं और फोन को ऑन करते हैं। तो 1 2 3 वो, और यहाँ पे है 13 प्रो मैक्स। और सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की, स्पीकर ग्रिल जो है वो अब टॉप में आ गया है, तो नॉच जो है वो छोटी मुझे यहीं से दिख रही है और काफी सारे सेंसर्स भी मुझे चमक रहे हैं। तो अब ऑन करते हैं। बहुत बहुत वेट कराते हैं आईफोन हर बार, क्योंकि जब एक बार MKBHD वगैरह की वीडियोस आ जाती है ना, उसके बाद ऐसे होता है यार हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पब्लिक के लिए अभी मिलना शुरू हुआ था, सुबह 8 बजे मिलना था और 8 बजे मैं लेके आ गया हूँ। तो अब इसको मैं सेटअप कर लूँ फटाफट से। सबसे पहले तो iOS 15 की जो स्क्रीन है वो दिख रही है, हेलो वाली। तो आईफोन 13 प्रो मैक्स को मैंने सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए सफारी ऑन करते हैं क्योंकि मुझे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, वो है नॉच। तो यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो ये है 12 प्रो मैक्स, इधर है 13 प्रो मैक्स। तो नॉच सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, काफी लोग इसके लिए क्रेजी हो रहे थे। तो अब अगर आप नॉच का साइज देखोगे तो डेफिनेटली जो 13 प्रो मैक्स की नॉच है वो थोड़ी सी छोटी है 12 के कंपैरिजन में। 12 प्रो मैक्स में जो नॉच है वो काफी वाइड है, यहाँ पे उतनी ज्यादा वाइड नहीं है, बट ये थोड़ी सी टॉलर है। यहाँ पे जो स्पीकर ग्रिल है वो टॉप पे चले गया है 12 प्रो मैक्स में, मिडिल में। तो यही है मेन डिफरेंस नॉच की अगर हम लोग बात करें। इसके बाद जो मेन डिफरेंस है वो है 120Hz का। 120Hz का रिफ्रेश रेट अब हमें 13 प्रो मैक्स के अंदर मिलता है, जो कि 12 प्रो मैक्स में हमें नहीं मिलता था। तो नॉच और 120Hz जो है, इसके अलावा जो मेन चीजें हमें मिलती हैं 13 प्रो के अंदर वो है कैमरा फीचर्स, जो कि आपको आने वाले वीडियोस में सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। और अगर हम इनको हटा दें तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम मुझे तो लग रही है। एटलीस्ट अगर मैं लुक्स की बात करूं तो एंटायरली सेम है। कलर का जो शेड भी है ग्रेफाइट का वो बिल्कुल सेम है 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो के अंदर। तो जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तो अगर आप 12 से 13 भी किसी को बोल दोगे तो आई डोंट थिंक ज्यादा लोग इसको पहचान पाएंगे। मेन जो चीज है वो कैमरा में ही है और मजेदार है, जैसा भी है मजेदार है। और ये बस एक क्विक अनबॉक्सिंग थी, क्योंकि अभी बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनानी है और अभी बहुत सारे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वगैरह आपके लिए आने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और ये थी मेरी वीडियो आईफोन 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग के ऊपर। आई होप आपको
मजा आया होगा देखकर। और अब इसके बाद 13 प्रो की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि है मेरे पास ब्लू कलर में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक आ जाए उसका नोटिफिकेशन। अब वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।